भगवान जी, आपका हम पर बहुत प्यार है। ये प्यार हमेशा हम पर, हमारे फैमिली पर बना ही रखना। हमारे दिल में कभी किसी के लिए बुरा बात ना आए। आपका प्यार और आशीर्वाद से हम सबका सेवा कर सके और इस वर्ल्ड में हमेशा शांति बने रहे। ओनली शांति, शांति, शांति। अयो मालिनी, मालिनी। एक्सक्यूज मी भगवान जी। निदानो, बहुत बुरी खबर, चोरी हो गया। चोरी किधर हुआ, कैसे हुआ? भाभी, भाभी, आधे घंटे से मैं अपना जूता ढूंढ रहा हूँ। आपने मेरा ऐसा वाला जूता देखा? देखा है ना। कहाँ है? इधर है। ये वाला नहीं, दूसरा वाला। दूसरे हाथ में है, छुपा के रखा है। अयो चोरी हो गया होगा जी। मालिनी, तुमने मेरा क्रिकेट किट देखा है? कब से ढूंढ रहा, मुझे मिल ही नहीं रहा है। अयो चोरी हो गया होगा जी। लेकिन चोर मेरे रूम से क्रिकेट किट क्यों चुराएगा? पीसीओ आंटी, आपको क्या लगता है ये मंदिर है? नहीं। फिर मेरे जूते घर से चोरी कैसे हो सकते हैं? जमाना इतना खराब है, चोर पैर में पहना हुआ जूता भी चोरी कर लेता। कल मेरा नया सेकंड हैंड सैंडल चोरी हो गया। हमारा एरिया में चोरी बहुत बढ़ गया जी। अंदर शर्मा इल्ले अपना घर में ताला लगा के गया, मगर फिर भी चोरी हो गया जी। ताला चोरी हो गया? तो ताला लगा कर जाने की जरूरत क्या थी, कोई ना कोई घर रुक जाता। शर्मा ने भी यही सोचा, अपना वाइफ को घर में छोड़ कर गया, मगर चोर उसका वाइफ को भी साथ में लेके गया जी। पीसीओ का, अब जल्दी घर जाओ, आपका हस्बैंड अकेला है। अगर कोई आपके हस्बैंड को ले गया तो? आइयो, हमारा ऐसा किस्मत कहाँ। हम तो आपको सिर्फ ये बताने को आया था कि दो वीक पहले तीन घर चढ़ के शर्मा के घर चोरी हुआ, एक वीक पहले दो घर चढ़ के दुग्गल के घर चोरी हुआ, ये पंद्रह वीक ले तुम्हारा बारी। पिंकू ना, अगर पीसीओ का बात सच है तो हमें अपने घर का ध्यान रखना चाहिए। क्या करे, आइडिया, हम घर को बाहर से लॉक कर देंगे और बोर्ड लगाएंगे कि घर का मालिक चोरी के इल्जाम में जेल में है। बैड आइडिया। फिर हम घर के अंदर जाएंगे कैसे? अयो मारे मंडे, वेरी सिंपल, उस बड़ा बोर्ड के नीचे छोटा बोर्ड लगाएंगे कि अंदर जाने का रास्ता पीछे से है। गुड आइडिया। अयो बैड आइडिया, बैड आइडिया। अयो पिंकू ना, हमको कुछ सोचना पड़ेगा। आइडिया, हम पुलिस को फोन करते हैं। बैड आइडिया। कल का अखबार पड़ा, पुलिस चौकी में ही चोरी हो गई। क्या करें? आइडिया। क्या? हम वॉचमैन रखेंगे। सिक्योरिटी गार्ड। क्या आइडिया है? पुत्र का पुत्र जब भी मुंह खोलता है खर्चे की बात करता है। ओ यार, आजकल चौकीदार भी वर्दी पहन के चार चार पांच पांच हजार मांगने लगे हैं। चार चार पांच पांच हजार बचाने के लिए आप लाखों का नुकसान होने देंगे? और आप कितने मेहनत से पैसे कमाते हैं देखना मालिनी पुत्र, और ये खोते कितनी आसानी से उड़ा देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड रख लीजिए बाबूजी, जिंदगी भर की कमाई एक ही झटके में चोरी हो गई तो? ना पुत्र, ऐसा झटका ना दे। सोचिए बाबूजी, सोचिए, आजकल हमारे इलाके में चोरियां बहुत बढ़ गई है। पापा जी, इसका मतलब हमारे घर भी चोरी हो सकती है? नहीं पुत्र, हमारे घर चोरी बिल्कुल नहीं हो सकती। प्रेम कौर जी, हमारे घर चोरी क्यों नहीं हो सकती ना? चोर के आपका रिश्तेदार है? हाँ है ना, मेरे ससुराल से। पापा जी, मम्मा का कहने का मतलब था हमारे घर में चोरी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारी भाभी दिन रात भगवान जी की पूजा करती रहती है। वो तो है, मगर जल्दी हम जो पूजा करता हम जानता, भगवान जी जानता, मगर चोर अन्ना तो नहीं जानता है ना। फादर इन लॉ जी, हम सोच लिया, हम वॉचमैन रखेगा, वो भी फ्री में। वाह जी वाह, क्या बात है। लेकिन मालिनी पुत्र, कैसे? फादर इन लॉ जी, ये घर हमारा है और इस घर का रक्षा करना हमारा ड्यूटी है। आपका मतलब घर की चौकीदारी हम लोग करेंगे? अयो भाभी भैया, करेक्ट, कितना इंटेलिजेंट हो। लेकिन पुत्र, मतलब फादर इन लॉ जी, आप सब हमारा बात ध्यान से सुनना। डियर एंड रेस्पेक्टेड फैमिली मेंबर्स, आप लोग आपस में दिन बांट लीजिए। आज वॉचमैन का ड्यूटी पिंकू ना का, नाड़ की बॉबी भैया, नाड़ की फादर इन लॉ जी। नहीं नहीं मालिनी पुत्र, मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। नहीं यार, यार रात भर जागूंगा तो मेरी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। और मैं क्या प्रेम कौर जी, खाना तैयार करो। मैं तैयार करता हूँ। रात भर अगर मैंने चौकीदारी की ड्यूटी की तो सुबह नेट प्रैक्टिस पर कैसे जाऊंगा, और फिर देश के लिए बैटिंग कौन करेगा? छोड़ो। और देश की बाद में सोचो, घर की पहले सोचो। ऐसे ही भाग जाएंगे तो घर की रखवाली करेगा कौन? देखा, घर की रखवाली। चोर
ना और हमारा मंडल चोर किसी के घर में घंटी बजा के थोड़ी आएगा। कौन है जी आप? शर्म मैम जान। ओ वॉचमैन, हमने सुना आपको सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। अयो आपका मालूम? ओ मैम जान, हमको सब मालूम। ये बंगले में एक कंजूस रहता है, इसके तीन बेटे हैं। करेक्ट। पहला जुआ खेलता है। करेक्ट। दूसरा क्रिकेट खेलता है। करेक्ट। तीसरा एक्टिंग करता है। उसको हम बहुत प्यार करता है। उसका नाम बॉबी है। ये बॉबी भैया कितना गेटअप चेंज किया, आप तो बिल्कुल सुपरस्टार वॉचमैन दिखता है। आप अपना ड्यूटी करो, हम जाके सोता। जागो सोने वालों, सुनो मेरी खानी, जागते रहो। तिरुपति बालाजी, जिस तरह आप पूरा वर्ल्ड को वॉच करने का ड्यूटी लिया, उसी तरह आज बॉबी भैया पूरा घर को वॉच करने का ड्यूटी लिया। आप पूरा टाइम उसके साथ रहना, उसको हर डेंजर से दूर रखना। गुड नाइट तिरुपति बालाजी। हम सोता लेकिन आप जागता। सोने वालों सुनो मेरी खानी, जागते रहो। क्यों भाभी भैया इतना जोर जोर से गाना गा के गला सूख गया होगा। ये लो पानी। भाभी अब अभी तक सोए नहीं है। कैसे सो सकती हूँ भाभी भैया, आप तो जोर जोर से गाना गाता, सो जागने वालो सो भैया सो गया। भाभी भैया क्या हुआ, सर दुख रहा है, दबा दो। नहीं 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 प्लीज रहने दीजिए ना भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती है। ये तो कुछ भी नहीं है, बचपन में जब हम छोटे थे। क्या आप बात कर रही है भाभी, बचपन में आप छोटे थे? हाँ भाभी भैया सत्ती माँ, बचपन में हम भाभी भैया आप हमारा छोटी खींचता। नहीं टांग खींचता है। और समझ में आ गया ना, हम तो बचपन में ही छोटे थे, तो अभी भी छोटे हो। सुन ना बचपन में क्या हुआ ये? प्लीज प्लीज आप बचपन की कहानी अभी क्यों सुना रही है, जाइए ना जाके सो जाइए ना। है ना भाभी भैया, हम तो सोचे आप वॉचमैन के रोल में अकेले बोर हो रहे होंगे, इसलिए आपके साथ बैठेगा, बात करेगा, पूरा रात जागेगा। ये एक मिनट आप जागेंगे? हाँ हम जागेंगे। पूरा रात जागेंगे? हाँ पूरा रात जागेंगे। तो फिर आप जागिए, मैं जाके सोता हूँ। जिसका टोपी उसी का सर। गुड नाइट सर। बोल सत्य प्रकाश। अबे बहुत भारी माल हाथ लगा है, तू ट्रक घुमा, इंजन चालू रख, इंजन स्टार्ट कर और गाड़ी घुमा जल्दी। मुझे सोने दो, माल नहीं मार क्यों रही हो? पिंकुला घर में चोर आ गया। चोर? चोर? देखो दूध में पी लिया। ये दूध मैंने पिया है मालिनी, मुझे प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिल रहा था तो मैंने दूध पी लिया। अब देखो मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ। अयो पिंकू नाम कैसे सोएगा, चोर आके पूरा घर खाली कर दिया। अयो पिंकू नाम मालिनी प्लीज मांगो, मुझे मांगो तो मांगो पिंकू नाम, सोने दो। अयो सब ठीक है पिंकू नाम, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ। मालिनी मैंने तुमसे कहा था ना कि सब ठीक है, खामखा मुझे नींद से जगा रही, मुझे जाने दो, सोने दो मुझे। आहा,
क्या हुआ भाभी, आप अभी तक सोए नहीं है? भाभी भैया सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है, आप आराम से सो जाइए, नो टेंशन, मैं हूं ना। अयो वही तो टेंशन है भाभी। भाभी अरे जिस घर की रखवाली करता हो बॉबी द सुपरस्टार, उस घर में चोर है। छड्डो भी यार। ओए ठीक है मैम साहब, ठीक है, हम आपकी तसल्ली के लिए बाहर से दरवाजा लगा देते हैं, आप शांति से सो जाओ। दरवाजे अब मैं तेरे मुंह पर ताला लगा देता हूँ, ताला। या अब ना रहेगा ताला और ना रहेगी ये सावी। लगता है भाभी भैया को सर्दी लग गया, हम कंबल देके आता। ठीक है शॉल देके आता। लगता है भाभी भैया अंदर है। भाभी भैया, ओ भाभी भैया वो बाहर है। ओ थैंक यू। तो फिर अंदर कौन है? करुणा तिरुपति बाला जी। यो चिल्लाना नहीं, नहीं तो ये घड़ी घड़ी बेहोश होने का शौक है क्या तुमको? तुम बार बार चाकू दिखाएगा तो डर नहीं लगेगा हमको? सच सच बताओ हमारे घर से तुम क्या क्या चुराया? चोरी करने का मौका ही कहां दिया, तब से यही खड़े छुरी लगे। आपको तो बहुत सर्दी हो गया, इतना बीमारी के हालत में आप काम पर निकला? तभी तो पकड़ा गया ना। आपका किस्मत अच्छा था चोरना, जो हमने आपको देखा। अगर फादर इंगला जी ने देख लिया होता तो अब तक आप जेल में। सॉरी सॉरी चोरना, आप इधर ही ठहरना, हम अभी आता है। प्लीज वन सेकंड। ये चोरना आप कैसे चोर हो? हम आपके लिए दवा लाने जाता और आप हम ही को चाकू दिखाता। इस चाकू से आदमी एक बार डरेगा, दो बार डरेगा और बार बार भी डरेगा। हम आपके लिए फादर इन लॉ जी का हाथ का बना हुआ चाकू, आई एम सॉरी, कौड़ा लेकर आता। आप इधर ही वेट करो, हम अभी आता। चोरना हम आपके लिए स्पेशल काढ़ा बना था, हमारे साथ आप किचन में आके अदरक पीसना। चलिए चलिए। लगता है आपके हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी हम आपको बाप देगा। बाप? बाप 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 नहीं, बाप। बाद में रिहर्सल करेगा, पहले हमको देखना और वैसे ही करना। देखो पहले ऐसे करने का, हाँ, और उसके बाद अच्छी तरह सांस लेना, हाँ, मुंह बंद करके। किधर जाता? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। ठीक है मगर जाते जाते अपना चाकू तो लेके जाओ। अरे हाँ, ये मैं किराए पे लेके आया था। हाँ? अगर सुबह तक नहीं दूंगा ना तो किराया डबल हो जाएगा। किराए का चाकू लेके चोरी करता? अभी चोरी करता तब तो खरीदता ना। खरीदने के लिए चोरी करने आया तो प्लीज दे दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मगर एक कंडीशन पर। चोरन ना हमको एक योगासन मालूम है, अगर वो करेगा तो सर्दी का बीमारी, पेट का बीमारी, घुटने का बीमारी, चोरी का बीमारी, आई एम सॉरी, सब बीमारी चले जाएगा। वो आसन करो फिर हम जाने देता। चलो चलते। यार किसकी शक्ल देख के आया ला? अपन करेंगे गरुड़ आसन।
किशन करने या नहीं बनना, आसन करना ऐसे। अब हम करेंगे चक्रासन। अब आपको करना पड़ेगा। हाँ चोरे ना, जैसे हम किया था वैसे ही कॉपी करने का। मुझे घर जाना है। इसके बाद एक और आसन फिर घर। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। हम आपको हेल्प करते हैं। एक सेकंड। ऊपर ऊपर और कमर ऊपर ऐसे। मुझे घर जाना है। छोड़ो ना, घर जरूर जाएंगे। हाँ सिर्फ लास्ट आसन फिर छुट्टी। मुझे घर जाना है। अभी ये राइट लेग ऐसे उठा के ऐसे करके गर्दन के पीछे ऐसे। अब आप करेंगे। बस हो गया। दीदी शायद मैं अटक गया। एक सेकेंड, इस काम क्या करें? दीदी मुझे घर जाना है। एक आइडिया, एक मिनट। नो प्रॉब्लम चोर है ना, हम निकालता। एक मिनट छोड़ो ना। आईडिया। मैं क्या जी? तुसी एम्बुलेंस बुलाई सी? छोड़ो ना। मुझे बाहर जाना है। कोई है? अंदर हो क्या रहा? मम्मी मुझे बाहर जाना है। चाबी कहाँ गई? अरे खोल दो यार। क्या हुआ? आधी रात में क्या सो रहे हैं? क्या सो रहे हैं? पुलिस नहीं आया, चोर आया। चोर? चोर? कहाँ है चोर? मैं यहाँ हूँ जी। यहाँ मैं। चोर! चोर को! अजी क्या हो गया? ये शोर कैसा? शोर नहीं, चोर है। चोर! ना, इसका तबीयत ठीक नहीं है। चोर है ना? Meet my respected family members. आइए आइए। Meet my mother-in-law जी। जिंदे रहो जी। My mother-in-law जी। जी। Mother-in-law जी। जिंदा रहो जिंदा। मम्मी जी, ये हमारा बाबी भैया। और ये हमारा पिंकुन्ना। पिंकुन्ना! मालिनी, तुम हमें चोर से मिला रही हो या किसी प्रधानमंत्री से? अयो! छोड़ मुझे, बाबूजी पुलिस को फोन करो, मुझे छोड़ो। हाँ हाँ। पुलिस को बुलाऊंगा कैसे? किसने चोरी किया ही नहीं है। तो घर के अंदर घुसा क्यों? चोरी करने के लिए। तो इसीलिए तो पुलिस को फोन कर रहा हूँ। अयो पादरी लाजी, जब इसने चोरी नहीं किया तो पुलिस आके क्या करेगा? अरे वो तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि हम आ गए, वरना ये अपनी हाथ की सफाई दिखा देता। दिखा तो मैं पहले भी सकता था, लेकिन इन्होंने मौका नहीं दिया। इतनी सेवा की मेरी भाई साहब, वैसे मेरी तरह तरह से सेवा हो चुकी है, मगर आज जो सेवा आपने की है ना, उससे मुझे मेरी अम्मा याद आ गई। बचपन में मेरी एक छींक पर वो मुझे 10-10 दवा खिला दिया करती थी। मैं कुछ भी गलती करता था, सजा देने के बजाय माफ कर दिया करती थी, जैसा कि आज मालिनी दीदी ने किया। एक बात कहूं दीदी? आप छोरना, देखो आप जल्दी घर जाओ, और हमने जो काढ़ा बनाना सिखाया वो जरूर पीना, और हम जो योगा योगा दिखाया था ना, वो आसन रोज करना, ठीक है दीदी? अयो अयो अयो, मदरिला जी, मदरिला जी, चोर अन्ना हमारे लिए गिफ्ट देता। गिफ्ट नहीं, ये आपका ही है। जब आप बेहोश थे तो मैंने हाथी का सफाई नहीं, हाथ का सफाई। वही वही, हाथ का सफाई। चोरना, आपने जो हाथ का सफाई दिखाया था ना, वो आपने हमको वापस दे दिया, और हमने जो हाथ का सफाई दिखाया ये हम आपको वापस नहीं करेगा। आप चोरी का काम छोड़ दीजिए प्लीज। छोड़ नहीं जी, मतलब आज से चोरी का धंधा
पादरी ना जी सुना, हम इनका तबीयत सुधारने के लिए कोशिश किया, ये पूरा का पूरा ही सुधर गया। ओए मालिनी पुत्र, और जो खुद अच्छा होता है ना वो सबका अच्छा ही करता है। इसका मतलब अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।